मुर्गी चोर। एक गांव में पंकज नाम का एक आदमी रहता था। वो घरों में चोरियां करके अपना गुजर बसर करता था। आस पड़ोस के घरों में रात के वक्त मुर्गियों से अंडे चुराकर सुबह उन्हें बाजार में बेच देता था। पंकज के आस पड़ोस के लोग एक दूसरे से कहते रहते थे, भीम जी कैसे हैं आप? हाँ शर्मा जी ठीक है, आप कैसे हैं? आजकल दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ठीक हूँ, पिछले दिनों काम के सिलसिले में बाहर गया था। असल में बात क्या है शर्मा जी, पिछले कई दिनों से हमारी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं। हमारी मुर्गियों को अस्पताल ले जाने की सोच रहा हूँ। वैसे आज डॉक्टर साहब कैंप लगाकर सारी मुर्गियों की जांच करने वाले हैं। हाँ मेरी बीवी भी कह रही थी हमारी मुर्गियां भी अंडे नहीं दे रही हैं, तो चलिए साथ में ही दिखा लेते हैं। शर्मा और भीम दोनों मुर्गियों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मुर्गियों की जांच कर शर्मा और भीम से कहते हैं, आपकी मुर्गियां तो एकदम तंदुरुस्त है, सेहतमंद है। आपकी मुर्गियां तो अंडे देना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुर्गियां अंडे भी दे रही हैं। शायद आपको ही कोई गलत फहमी हुई है। वो दोनों अपनी अपनी मुर्गियां लेकर वहां से चले जाते हैं, और इधर पंकज इन बातों से अनजान आराम से मुर्गियों के अंडे चुरा रहा था। एक दिन रात को पंकज एक घर में अंडे चुराने जाता है। घर के सारे लोग सो रहे थे। पंकज धीरे से मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी से कहता है, ओ मेरी ड्रीम गर्ल, मेरी मुर्गी, मुझे एक अंडा दे दे, तुझे ड्राई फ्रूट्स खिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। मुझे एक अंडा दे दे, मुझे और भी मुर्गियों के पास जाना है अंडों के लिए। अगर तू नहीं देगी तो कल मुझे खाना नहीं मिलेगा। ए मेरी ड्रीम गर्ल, एक अंडा देना। मुर्गी पंकज को अंडा दे देती है। इस तरह पंकज आधी रात को सारे गांव में फिरकर अंडे चुरा लेता है और उन्हें सवेरे बेच देता है। अगले दिन सुबह जब पंकज अंडा बेचने निकला, अंडे ले लो, अंडे, जापान के अंडे, ऑस्ट्रेलिया के अंडे, पाकिस्तान के अंडे, या फिर देसी अंडे, जो अंडा चाहिए वो ले लो, अंडा ले लो भाई, अंडा। इस तरह वो गलियों गलियों में घूमकर अंडे बेच रहा था। तभी उधर से शर्मा जी जॉगिंग करते हुए अचानक पंकज उनसे टकरा गया और पंकज के सारे अंडे गिरकर टूट गए। हाय हाय हाय, सत्यानाश हो तुम्हारा, मेरे सारे के सारे अंडे गिरा दिए। पैसे दीजिए इसके शर्मा जी। तू मुझसे टकराया, तेरी आंखें नीचे रखकर नहीं चल सकता था क्या? गलती तेरी है, मुझसे पैसे मांग रहा है। हाय हाय, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, गरीब के पेट पे लात मार के मुझ पर ही रोब दिखा रहे हो, कैसी नाइंसाफी है। पंकज नकली रोना रोते हुए चिल्लाता हुआ हाय मेरे अंडे, हाय मेरे अंडे कहकर गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव वाले सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वहां भीम भी आता है। पंकज को देखकर कहता है, अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, सारी बात तो बताओ। पंकज उन्हें सारी बात बताता है, जिस पर भीम कहता है, पंकज तुम रो तो रहे हो मगर तुम्हारे आंसू तो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, ऐसा कैसे भला। अरे भीम जी, आपको मेरा दर्द देखना है या मेरे आंसू? शर्मा जी, गलती जिसकी भी हो जाने दीजिए, बेचारा बहुत परेशान है, पैसे दे ही दीजिए। शर्मा पैसे दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस दिन रात को पंकज भीम के घर से अंडे चुरा लाता है। भीम की माँ की नजर कमजोर थी, वो आंगन में सो रही थी। पंकज की आवाज सुनकर एकदम से जाग जाती है। कौन है, कौन है वहां? पंकज डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो आवाज बदलकर भीम की माँ से कहता है, अरे राधा कैसी हो तुम? तुम्हारा पति मोहन, मुझे तुम्हें देखने का मन हुआ, इसीलिए मैं यमराज से परमिशन लेकर नीचे आया हूँ। दिन ब दिन तुम्हारी खूबसूरती बहुत बढ़ती जा रही है, क्या बात है राधा? भीम की माँ शर्माते हुए, आप मुझसे मिलने आए हैं, हाय मेरे भाग्य। नहीं तो क्या, पास वाली विमला से मिलने आया हूँ, क्या बात करती हो तुम भी। मैं भी चश्मा घर रखाई, मुझे मालूम नहीं था कि आप आ रहे हैं, वरना चश्मा लगा लेती। जिस पर पंकज फिर आवाज बदल कर कहता, अरे तुम्हें देखने के लिए मुझे चश्मा नहीं, मन की आंखों की जरूरत होती है, तुम भी उसी से देखो। कुछ देर बातें करने के बाद भीम की माँ शर्माते शर्माते सो जाती है। पंकज अंडे चुरा कर वहां से चल देता है। अगले दिन सुबह भीम की माँ यानी राधा जी बड़ी खुश थी। वो मुस्कुरा रही थी, गाने गुनगुना रही थी, ला 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 ला।
ये देखकर भीम और शर्मा जी बड़े हैरान हुए। शर्मा जी ने भीम से कहा, क्या बात है, तुम्हारी माँ आज बहुत खुश है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ? क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ है जो इतना मुस्कुरा रही हो? भीम की माँ ने यानी राधा जी ने उसे रात की सारी बात बताई। शर्मा और भीम दोनों समझ चुके थे कि रात में चोर आए थे और अंडे चुरा कर वही ले गए। हाँ शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हो, किसी ना किसी तरह हमें इन चोरों को पकड़ना ही होगा। शर्मा जी ने अपने एक साइंटिस्ट दोस्त से ये सारी बात जाकर बताई। तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ, तुम अपनी मुर्गियों को इंजेक्शन देना, तुम्हारी मुर्गियां बहुत बड़ी हो जाएंगी और तुम आसानी से चोर को पकड़ पाओगे। शर्मा जी रात में सोते वक्त मुर्गियों को इंजेक्शन दे देते हैं और घर में जाकर सो जाते हैं। इस बात से अनजान पंकज अंडे चुराने आता है और रात के अंधेरे में वो दीवार कूदकर अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो बड़ी बड़ी मुर्गियां देखकर डर जाता है। मुर्गियां भी उसे आता देख उस पर आक्रमण कर देती है, चोट से उसे मारना शुरू कर देती है। पंकज डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भगवान बचाओ, अरे मेरी ड्रीम गर्ल, तुझे क्या हुआ, अरे मुझे बचाओ, बचाओ रे, हाय हाय। ये सुनकर पीछे से गांव वाले घर वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं और शर्मा जी और भीम भी आ जाते हैं। अच्छा तो तुम थे मुर्गी चोर, मेरे अंडे चुरा कर फिर मुझी से पैसे मांग रहे थे। शर्मा जी, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, बहुत दिन इसने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। उस दिन के बाद से मुर्गी चोर पकड़ा गया और गांव में फिर कोई चोरी नहीं हुई।